सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो गाइस, मेघा हियर, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, और आप देख रहे हैं जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजमा करी रेसिपी, या इसे किडनी बीन्स भी कहते हैं। ये नॉर्थ इंडिया की डिश है। इसे राइस के साथ खाया जाता है स्पेशली, या आप इसे चपाती या नान के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी डिश होती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है, देन तेजपत्ता, राई और जीरा हम लेंगे हाफ हाफ टेबल स्पून, 2 से 3 इलायची, हम ओनियन लेंगे 2 बड़े साइज के, देन हाफ टेबल स्पून मेथी दाना, हाफ टेबल स्पून सौंफ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटो की प्यूरी, 3 टमाटर की प्यूरी मैंने ली है स्मॉल साइज के, देन धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, रेड चिली 1 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हींग ली हुई है 2 से 3 पिंच। यहाँ पे राजमा मैंने साफ वॉश करके ओवरनाइट सोक करके रख दिया था पानी में, कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए इसे पानी में सोक करके रखेंगे। फिर इसका पूरा पानी निकाल देंगे और इसे प्रेशर कुकर में हम डालेंगे। फिर मैं इसमें 3 ग्लास के करीब वाटर डाल रही हूँ और इसे 3-4 विजल आने तक हम पकने देंगे। इसे बंद कर दीजिए इस तरह और इसे पकने देंगे। फिर यहाँ पर मैंने ओनियन डाल दिया है कट करके एक जार में, और उसमें मेथी दाना और सौंफ डाल रही हूँ मैं। अब इसका एक हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा डाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसका पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। फिर हम एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, और फिर उसमें एक तेज पत्ता डालेंगे। ऑयल हमें 3 से 4 टेबल स्पून लिया है। फिर हरी इलायची मैं डाल रही हूँ ओपन करके, देन हाफ टेबल स्पून जीरा, फिर इसके बाद इसमें राई डालेंगे हम, फिर जो ओनियन की पेस्ट हमने बनाई थी वो हम इसमें डालेंगे और इसे थोड़ा सा गोल्डन होने तक कुक करेंगे 2-3 मिनटों के लिए। जैसे ही गोल्डन हो जाए इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। हींग डालेंगे कुछ सेकंड बाद। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून पूरा ले लीजिए। फिर टमाटो की प्यूरी हम डालेंगे। टमाटो की प्यूरी को हमें ऑयल से सेपरेट होने तक कुक करना है करीब करीब 5 मिनटों के लिए, जब तक ये ऑयल से सेपरेट ना हो जाए। जैसे ही ऑयल से सेपरेट हो जाएगी हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, देन सॉल्ट, देन गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 2-3 सेकंड के लिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पे राजमा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बाउल में। हमने कुकर बंद कर दिया था 4 से 5 विजिल में, और जैसे ही ये पक जाता है ठंडा करके हम इसे पानी से सेपरेट कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे ग्रेवी में। अब इसे मिक्स करके मसालों के साथ कोट होने के लिए हम सेम आंच पर 2 से 3 मिनटों के लिए रखेंगे। यहाँ मैं लिट से इसे कवर करके करीब करीब 3-4 मिनटों के लिए रखूँगी। 3-4 मिनटों बाद ये देखिए जो राजमा है पूरी तरह से मसालों के साथ मिक्स हो चुका है, मसालों के फ्लेवर राजमे में आ चुके हैं। अब हम इसे मिक्स करके वाटर डालेंगे। इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ 1 ग्लास के करीब करीब, और इसे हम अब ढककर रख देंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए और ग्रेवी थोड़ी थिक ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर राजमा बिल्कुल पक चुका है, बॉईल आ चुका है इसमें, और राजमे की ग्रेवी हमेशा थिक होती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा राजमा बनके बिल्कुल रेडी है। इसे आप हरे धनिए से या पुदीना से गार्निश कीजिए, इसे राइस के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।